गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ममता सिंह ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कैसे हो आप लोग बताइए। और देखिए बच्चे लोग लेके बैठे हैं, छुट्टी हो गया है बाबू को। बाबू का खाना ना कुछ नहीं खा रहा है क्योंकि बोलते हैं मम्मा खाने का मन नहीं करता है। तो दूध पी के बताइए आप लोग कि 9 ईयर्स पूरा हो गया है, दूध पी के कितना देर आ जाए बताइए आप लोग कमेंट करके। खाना चाहिए खाना कि नहीं खाना चाहिए और कितना देर में खाना खाना चाहिए। खाना नहीं खाने के चलते देखिए इसका चेहरा कैसे सूखा सूखा लग रहा है। केवल खाली इसको दूध चाहिए, हॉर्लिक्स चाहिए, दूध बिस्किट चाहिए। बताइए आप लोग दूध पी के इतना बड़ा बच्चा कैसे रहेगा करेगा। खाने में इसको पूरी सब्जी चाहिए तो डेली तो पूरी सब्जी संभव है नहीं। आलू करो इसको आलू भर के पराठा चाहिए। तो आलू अभी नया वाला नहीं लाए थे इसीलिए बनाए नहीं। हम बोले कल बना देंगे, कल खिलाएंगे बाबू को काले में रोटी। इसको एक दिन और बनाए थे तो उस दिन तबीयत ठीक नहीं था तो नहीं खा पाए। मम्मा बोलते आज मम्मा बनाए आज हम खाएंगे, आज हमको अच्छा लग रहा है। तो देखिए पढ़ाई लिखाई सबका हो गया है, क्या हो रहा है। और ये बीसी भी ड्यूटी गए हुए हैं तो आएंगे 10:30 बजे। सब्जी चढ़ा दिए हैं, आटा गूंद कर रखे हैं तो बाबा के लिए पूरी सब्जी बनेगा, खाया जाएगा। इसके बाद इनका पापा तो पूरी खाते नहीं हैं तो उनके लिए रोटी बना देंगे, पराठा बोल सिंपल रोटी। देखते हैं पराठा खाएंगे कि रोटी खाएंगे। और देखते हैं कल सोचे हैं मंदिर जाने के लिए जा पाते कि नहीं जाते। और गए थे मम्मी को लाने के लिए बुआ के पास तो भैया नहीं आने दिए, बोले कल जाएगी, कोई बात नहीं है। और कल क्रिसमस डे है, एडवांस सब लोग हैप्पी क्रिसमस डे बोल देते हैं। कल का दिन बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है कल। तो देखिए कल क्या क्या कर पाते हैं। कल सबके घर में सेंटा क्लॉज आएंगे ना कशिश। सबको गिफ्ट देगा सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट देंगे, मेरे यहाँ सबको सेंटा क्लॉज आएंगे, सबको गिफ्ट मिलेगा। मेरे पास ऐप है, देखते हैं कल आते हैं कि नहीं आते हैं मेरे घर मेरे और क्या क्या गिफ्ट लेके आते हैं। मेरे को कॉल करेंगे, कॉल करेंगे काहे कि मेरे पास उनका ऐप है, कल डाउनलोड करके बात करेंगे। सेंटा क्लॉज से आप बात करेंगे फोन पर, उसका नाम उसका वो ऐप का नाम भेज देंगे। और सोचे थे केक काटेंगे लेकिन नहीं काटेंगे, काहे कभी भी काटेंगे फिर नया साल के दिन काटेंगे, दो दो दिन संभव नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बहुत ज्यादा नया साल। और काहे कि बाबू लोग का भी प्रोजेक्ट मिला है बहुत ज़्यादा तो सब नहीं हो पाएगा, अभी 1 जनवरी काटेंगे, एक दिन और केक काटना है ना। किसी भैया का बर्थडे आ रहा है तो बड़े वाले भैया के बर्थडे है। बड़ा भैया कौन है? मयंक कुमार है। और सब बताइए कल क्रिसमस डे क्या क्या तैयारी होने वाला है। देखते हैं बाबू को लेके जा पाएंगे तो जाएंगे, कल घुमाएंगे टेलको में होता है ये पे है यहाँ पर, तो देखते हैं बाबू को घुमा देंगे। दोनों को तो नहीं ले जाएंगे क्योंकि बाइक पे पुलिस नहीं जाने देता है सबको, 3 से ज़्यादा आदमी नहीं जाने देता है। तो नहीं तो ये दोनों को एक बार भेजेंगे देखेंगे, तो अकेले तो जाएंगे नहीं लेकर के, ठंडा का दिन है। एक दिन इसको घुमा देंगे एक दिन उसको घुमा देंगे दोनों को, क्योंकि अब 1 सप्ताह मेला रहता है यहाँ पर। तो दोनों को एक दिन बाबू घुमा देंगे, एक दिन बिटिया रानी घुमा देंगे, दोनों को घुमा देंगे। और खाने में आलू कभी सब्जी बन रही है, दीदी का मुंह लटका है, उसका मुंह हमेशा लटकते रहता है। और सब बताए आप लोग ठंडा में कैसे है। और सब बताइए कल कौन कौन क्या क्या तैयारी करने वाले हैं। मैसेज इतना आता है कि क्या बोले, जहाँ तक उस खाली मैसेज ही आते रहता है। बाबू के लिए ड्रेस तो नहीं खरीदे, पता नहीं कहाँ मिलता नहीं मिलता, और बेकार हो जाता है तो हम ड्रेस खरीद कभी नहीं खरीदे बाबू के लिए। तो क्या जो कोई ज़रूरी नहीं है, बर्थडे में खरीदे तो एक सब ड्रेस पहन के कोई फायदा नहीं, पैसा बर्बाद ही होता है। तो मेरे ये बच्चे लोग जिद भी नहीं करते सब चीज़ करने के लिए।
इसी तरह वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। देखना तो वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिया कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए ताकि बच्चे लोग पढ़े तो अच्छे लगे। लोग ऐसा से कमेंट कर दें कि बच्चा लोग पढ़ भी नहीं पाता है, इसलिए अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे बच्चे के लिए तो बाबू को भी अच्छा लगेगा। और बहुत ढेर सारे तैयारी है क्रिसमस डे का, देखे तुम गए थे कल तो इतना सारा, क्योंकि यहाँ पर बगल में ही है यीशु मसीह का स्कूल है तो पूरा उनका गिफ्ट सब का जो क्रिसमस ट्री होता है, बैलून होता है, क्या क्या सब सारा सामान मिल रहा था। हम बच्चे लोग खरीदारी भी कर रहे थे, हमको खरीदना रहता नहीं तो कभी स्कूल ये लोग रहता नहीं है अभी तो इतना कोई तैयारी रहता नहीं कि ये बना के लाना वो बना के लाना, ये लोग स्कूल में नहीं होता है। हम लोग होगा पूजा जब होता होली रहता है दीपावली तो उस टाइम बोलता है ये बना के लाना वो बना के लाना, तो इसीलिए वो सब सामान खरीदे नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मिला है बाबू लोग को तो वो सब बनाना है। और सोचे थे कहीं जाएंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे, बताया भी था कि बाइक पैक कर रहे कि नहीं जा पाएंगे कहीं क्योंकि दोनों को प्रोजेक्ट मिला और छुट्टी बीतते देरी नहीं लगता है, आज दो दिन छुट्टी बीत गया है तो जाएंगे, देखते जब टाइम मिलेगा तो जाएंगे कहीं। कोई मम्मी तो आई हुई है ये है, दीदी लोग से बात हो ही जाता है, यहीं घुमा देंगे बाबू को कहीं पर ले जा करके हो जाएगा, पिकनिक मना लेंगे हम लोग घर में ही ना, कुछ घर में नहीं कहीं और पिकनिक मनाएंगे ठीक है। तो देखते हैं घुमा देंगे लोग पार्क में, फर्स्ट जनवरी को जाएंगे जाएंगे घुमा देंगे, पिछले टाइम देखते हैं क्या ड्यूटी रहता है, छुट्टी तो रहेगा नहीं पता नहीं किस दिन पड़ता है, दो सुबह चलेंगे ठीक है। इसी तरह ब्लॉग में बने रहिए, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, ओके बाय गुड नाइट।